जंग में चारों तरफ दुश्मनों से घिरा इजराइल, चीन और रूस जैसे ताकतवर देशों ने युद्ध में इजराइल के खिलाफ उतरने का किया ऐलान। दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को किया एकजुट, लेकिन फिर भी इजराइल के इरादे आसमान की तरह बुलंद। दोस्तों, हमास के साथ चल रही जंग में इजराइल हर मोर्चे पर दुश्मनों से घिर चुका है, क्योंकि इसके चारों तरफ पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देश मौजूद है और ये सभी इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। इतना ही नहीं, इस युद्ध में अब रूस और चीन जैसी सुपर पावर वाले देश इजराइल के खिलाफ उतरने भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन फिर भी इजराइल न तो किसी से डर रहा है और ना ही अपनी जगह से एक इंच भी पीछे आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के जम्मू कश्मीर जितनी आबादी वाला छोटा सा यह देश आखिर इतना निडर क्यों? क्यों आज तक इजराइल एक भी जंग नहीं हारा? और इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि हर तरफ दुश्मन से घिरा होने के बाद भी यह बिल्कुल नहीं घबरा रहा? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल सके। इजराइल एक निडर देश है, यह बात हम पिछले कुछ दिनों में उसके रवैये को देखकर समझ चुके। अगर आप दुनिया के नक्शे पर इस देश की लोकेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चारों तरफ मुस्लिम देशों से यानी अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। लेकिन ना तो यह आज तक किसी देश के सामने झुका है और ना ही इसने कोई भी जंग हारी है। इतना ही नहीं, हमास के साथ चल रही इस बार की जंग में जहां रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों के उसके खिलाफ उतरने की बातें चल रही हैं, वहां भी यह अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं है। ईरान दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट कर रहा है। तुर्की ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और यह साफ कह दिया है कि चाहे कोई देश इस जंग का हिस्सा बने या न बने, तुर्की इजराइल के खिलाफ खड़ा रहेगा। लेबनान और लीबिया में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और सऊदी ने भी अपनी दोस्ती का हाथ पीछे खींच लिया है। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल पीछे हटने या हथियार डालने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि यह हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए गाजा के अंदर अपनी जमीनी सेना भेजने को तैयार है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि छोटा सा देश इतना साहस दिखा सकता है जब उसके ऊपर किसी बड़ी सुपर पावर का हाथ हो, और इजराइल के ऊपर भी ऐसी ही एक सुपर पावर का हाथ है जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। जहां अमेरिका ही वह देश है जिसने हर हाल में इजराइल का साथ देने की कसम खाई है, और अमेरिका के दम पर ही इजराइल इस लड़ाई में किसी भी तरह दबने को तैयार नहीं है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद से ही अमेरिका अपने दोस्त के साथ डट कर खड़ा है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का दौरा भी किया और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को आशीर्वाद दिया कि अमेरिका हर हाल में उनके साथ है। यह अमेरिका ही है जिसकी बदौलत इजराइल आज अपने एक दो नहीं बल्कि एक साथ चार चार दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, और अमेरिका ने इजराइल के ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अकेला देश अपने कई सारे दुश्मनों को एक साथ हराने का मादा रखता है। दरअसल जब से इजराइल वजूद में आया तभी से अमेरिका इस देश को पूरा पूरा सपोर्ट रहा है। अमेरिका ने इजराइल को पैसे से लेकर हथियारों और टेक्नोलॉजी तक हर एक चीज की मदद की है। इजराइल के सामने जब भी युद्ध की हालात आए तो अमेरिका ना सिर्फ का हौसला बढ़ाता है बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर हर तरह की मदद भी करता है। हर बार की तरह इस बार के युद्ध में भी अमेरिका अपने पुराने दोस्त इजराइल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। अमेरिका इस युद्ध में इजराइल पर अरबों डॉलर लुटाने को तैयार है। यहां तक कि जो बाइडेन ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वह जितना हो सके इजराइल को आर्थिक रूप से सपोर्ट करें ताकि यह हमास को हरा सके। साथ ही अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि वह इजराइल को हथियारों के रूप में 10 मिलियन डॉलर की मदद करने वाले हैं। यानी अमेरिका इस लड़ाई के लिए इजराइल को 10 मिलियन डॉलर के हथियार देने वाला है, और यह कोई छोटी मोटी मदद नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने 2000 सबसे टॉप क्लास सैनिकों को अलर्ट पर रखा हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत इजराइल में तैनात किया जा सके। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा
कि बीते कुछ सालों में अमेरिका ने इसराइल को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में से एक बनाने में बहुत मदद की है। अपने फंड, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने हथियारों की मदद से अमेरिका का इजरायली सेना को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आर्थिक मदद के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि पिछले 2022 में अमेरिका ने इसराइल को 384 करोड़ रुपए की मदद की है। साथ ही इस साल अब तक 304 करोड़ रुपए की मदद कर चुका है। इतना ही नहीं, 1948 में जब से इसराइल बना है तब से अब तक अमेरिका इसकी 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद कर चुका है, और यह तब है जब इसराइल आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर नहीं है। इसी आर्थिक मदद की बदौलत इसराइल सैन्य ताकत के मामले में अपने पड़ोसी देशों जैसे कि सीरिया, मिस्र, जॉर्डन और ईरान तक को पीछे छोड़ चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 2023 में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या 169,500 है, जिसमें जल, थल और वायु तीनों प्रकार की सेनाएं शामिल हैं, जबकि इसके आधारित आरक्षित बलों की संख्या 4,65,000 से ज्यादा है और 8,000 जवान रिजर्व फोर्स का हिस्सा है। इसके अलावा साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि इसराइल में 18 साल की उम्र से अधिक के सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, और एक बार सेना का हिस्सा बनने के बाद पुरुष 32 महीने और महिलाएं 24 महीने सेना को अपनी सेवाएं देते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और किसी भी देश को अपना डिफेंस स्ट्रांग बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है, जिससे फंड अमेरिका से मिलता है। उसका अधिकतर हिस्सा वह अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए रिसर्च वगैरह पर खर्च करता है। इसी की बदौलत आज इसराइल के पास एक बेहद मजबूत डिफेंस सिस्टम, सर्विलांस ड्रोन, जंगी ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी ऐसी खतरनाक मिसाइल है जिनके सिर्फ नाम से दुश्मन खौफ खा जाते हैं। इसराइल का विश्व प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिसे इस देश का कवच कहा जाता है, यह भी अमेरिका की मदद से तैयार हो पाया है। जानकारी के लिए बता दें कि इसराइल ने इसे 2006 में हिजबुल्ला से युद्ध लड़ने के बाद विकसित किया था। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि साल 2011 से लेकर अब तक अमेरिका इसराइल के आयरन डोम को एडवांस बनाने में 128 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और इन आंकड़ों से यह साफ जाहिर होता है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, मगर अमेरिका इसराइल का साथ देने से चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक तरफ ईरान जैसे खतरनाक देश है, जो इसराइल के खिलाफ जितने ज्यादा हो सके उतने मुस्लिम देशों को अपने साथ जोड़ रहा है। मतलब साफ है कि आज नहीं तो कल ईरान इसराइल पर हमला करने ही वाला है। ईरान के अलावा लेबनान, लीबिया और तुर्की जैसे देश भी बस एक सही मौके की तलाश में है, जिसके मिलते ही इसराइल पर चारों तरफ से टूट पड़ेंगे। और इन सभी मुस्लिम देशों की एक ही मांग है कि इसराइल गाजा को अपना निशाना बनाना बंद करे। लेकिन इसराइल भी रुकने वाला नहीं है और पिछले 20 दिनों से लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमास और इसराइल का युद्ध रुकने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।